राशिद की है और बेबी की, बेबी की आइसक्रीम किधर है? वो रही बेबी की आइसक्रीम, दिखाओ यम्मी है आइसक्रीम, आइसक्रीम दिखाओ, यम्मी 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 राशि यम्मी यम्मी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल रियाज में भी ना बेर आ चुके हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना पाकिस्तान बात हो रही थी तो पाकिस्तान वाले ना बेर खा रहे थे, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं बेर खाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, मुझे जितने भी मिल जाए ना मैं बैठ के एक टाइम पर सारे बेर खा लूँ। तो यहाँ पर फिर हम रुक गए थे बेर लेने के लिए, बाहर ऐसे निकले हुए थे तो हमें बेर नज़र आए और मुझे ना ये रेड और रेड के साथ ये थोड़ी थोड़ी येलो, ये मुझे नहीं पसंद। मुझे जो बिल्कुल ग्रीन होते हैं ना मुझे वही पसंद है। जो रेड है ना, रेड और येलो येलो, उनमें से मुझे थोड़ी सी स्मेल आती है, तो मैं तो बिल्कुल जो ग्रीन होते हैं ना वो लेती हूँ, मीठे हों जो जो मीठे होते हैं ना, बस फिर वही लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं लेती हूँ। और थोड़े से मैंने लिए थे क्योंकि यही एक टाइम पर बैठ के मैंने खा लेने थे। और हम ले आए थे अलबेक, काफ़ी दिनों से ना अलबेक खाने का दिल कर रहा था। और जिस ब्रांच पे हम गए थे ना वहाँ पर ब्रोस नहीं था, नगेट्स थे। तो मुझे अलबेक का ना ज़्यादातर ब्रोस पसंद है, नगेट्स इतना ज़्यादा नहीं पसंद। तो बस जो जो क्रेविंग हो रही थी ना उसको दूर करने के लिए फिर हमने नगेट्स ही ले लिए थे ताकि टेस्ट कर लें, और स्पाइसी लिया था। इस ब्रोस को देख कर ना मुझे पाकिस्तान वाले याद आते हैं, पाकिस्तान में जो रिलेटिव्स हैं ना जो बहुत करीब हैं, जो बहुत प्यारे लोग हैं, उन्हें ये अलबेक का नगेट्स और ये अलबेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अलबेक को, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पे रहते रहते पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को ना मिस करते हैं, उसमें से एक अलबेक भी है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। जो अलबेक का बन था ना वो तो किसी ने नहीं खाया क्योंकि सिर्फ नगेट्स ही खाए थे। तो इस बन में ना अब मैं ये ऑमलेट बना लूँगी। ऑमलेट मैंने लिया है, इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़े से ऑलिव्स ऐड किए हैं और नमक और रेड चिली पाउडर वो ऐड किया है। और इस तरीके से मैं सैंडविच बना लूँगी। सबसे पहले मैंने ले लिया था चीज़, फ्रिज में रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो चीज़ भी ऐड कर देते हैं। और साथ मैंने ऐड कर दिया है एग। तो ये सैंडविच में बनाने लगी थी तो मुझे लग रहा था अभी थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा सा अधूरा है, तो इसमें फिर मैंने लेटेस ऐड कर दिया था। लेटेस के साथ ब्लैक पेपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो साथ मैंने ले लिया था। अब ये मेरा सैंडविच जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। और साथ मैंने अपने लिए बना ली है चाय। ये कप ना मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन इसके अंदर से ना इस तरीके से लाइन आ गई है, तो अब एक दो बार यूज़ करने के बाद मैं इसे फेंक दूँगी क्योंकि मैं इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी टूट गया ये। और मैं अपने कप में ना हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ना जिंजर पाउडर ऐड कर दूंगी। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, नेशनल का जिंजर पाउडर है और इस तरह के कंटेनर में ना मैंने इसे रख दिया है। चाय में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जिंजर, फ्रेश हो तो मैं फ्रेश ले लेती हूँ, अगर फ्रेश ना हो तो फिर मैं पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह का नेशनल का मैंने जिंजर और गार्लिक पाउडर ले लिया था। आज मैं बनाने लगी हूँ बैगन का भरता। एक्चुअली मुझे ना रिक्वेस्ट आई थी कि बैगन के भरते की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैंने कोशिश की मैं जितनी जल्दी आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। लेकिन खैर, यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के थे बैगन। उनको इस तरीके से हम भून लेंगे स्टोव के ऊपर रख कर ना, और साथ साथ इनको मूव करते रहेंगे ताकि ये इक्वली ना इनकी भुनाई हो जाए, इक्वली ये गल जाए। बहुत ज़्यादा इनकी भुनाई भी नहीं करनी, जस्ट 3 to 4 मिनट के लिए ना इनकी हम भुनाई कर लेंगे। और साथ ही मैंने ले लिए हैं 3 to 4 ग्रीन चिलीज़,
अनियन ले लिया है मैंने और टोमेटो ले लिया है। ये हाफ टोमेटो ना मेरे पास रखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं कितने अनियन और कितने टोमेटो यूज़ करती हूँ। तो साथ साथ इनको भी हमने देखते रहना है और चेक करते रहना है। ये तो डन हो गया है, और जो दूसरे स्टोव पर थे ना उनको भी थोड़ा सा टाइम है, तो इनको भी हमने इस तरीके से मूव करते रहना है और इनकी भुनाई कर देनी है बहुत अच्छे से। और अब ये हो गए हैं डन, इनको अब हम स्टोव से हटा लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हल्का हल्का ना पानी लगा के ना इनका छिलका उतार लेंगे और इनके छिलके को ना पानी से अच्छे से साफ कर देंगे। और साथ ही मैंने टोमेटो को भी चॉप कर दिया है, और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था टोमेटो तो वो मैंने अलग निकाल दिया है। और अनियन को भी मैंने चॉप कर लिया है, और जो छोटा अनियन था ना इसको ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो इसको भी मैंने साइड पे रख दिया। बेसिकली मैंने 1 मीडियम अनियन लिया है, 1 मीडियम टोमेटो, 4-5 ग्रीन चिलीज और ये थोड़े से बैगन। और इनका छिलका उतारने के बाद ना इनको हम अच्छे से मैश कर देंगे इस तरीके से। और जब थोड़ा सा जब मसाले में इसे ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा फिर वहाँ पर मैश कर देंगे। हल्का सा मैं यहाँ पर भी इनको मैश कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं अनियन। अनियन को बिल्कुल हल्का सा मैंने सोते करना है, बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर जब आ जाएगा ना तो इसमें मैंने टोमेटो ऐड कर देने हैं। टोमेटो ऐड करने के साथ ही इसमें मैंने ऐड कर देने हैं मसाले वगैरह। मसाले में मैंने ऐड कर दिया है सौंफ, कलवंजी और रायदाना। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून करी पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी। और थोड़ा सा मतलब कि 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और मसाले की ना बहुत अच्छे से भुनाई कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और टमाटरों को ना हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, टमाटरों का पानी बस जैसे ही हल्का हल्का सा निकल स्टार्ट होगा तो इसकी हमने भुनाई कर देनी है। और इसमें फिर हमने बैगन को ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा भुनाई मैं नहीं करती हूँ। एक तो ये भी तरीका होता है कि अनियन टोमेटो को ना चॉप करके बारीक बारीक सा और इसमें बैगन वगैरह सब कुछ ऐड करके ना तड़का लगा देते हैं, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके से ना मुझे बहुत कम पसंद आता है। तो मैं बस इस तरीके से बनाती हूँ, मसाले को ना हल्का सा भून लेती हूँ, उसके बाद इसमें बैगन वगैरह ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर दिया है। और बस मीडियम फ्लेम पर ना इसकी हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ना अच्छे से इसको पका लेना है। और जब साइडों से ना हल्का हल्का सा ऑयल निकलने स्टार्ट हो जाएगा तो बस ये हमारा हो गया है डन। तो ये है हमारी फाइनल लुक। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बैंगन का भरता इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। और बस आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।